हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास सिक्स का मैथ, जिसे हमने स्टार्ट किया था रेखा, रेखाखंड एवं किरण, जो कि 9.1 का है। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो पार्ट फाइव है। इसके पहले भी इस चैप्टर के चार पार्ट आपके चैनल पर अपलोड है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे। चैनल पर जाने के बाद वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगा, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको सभी क्लास का फोल्डर्स दिखाई देगा आपका। जैसे क्लास सिक्स है तो आप लोग क्लास सिक्स वाले फोल्डर में जाएंगे, आपको वहाँ पर आपके क्लास का सभी वीडियोस अवेलेबल मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के इस क्लास में हम सीखेंगे रेखाखंड किरण के नाम लिखने के लिए, ठीक है ना। तो हम लोगों ने रेखाखंड का तो नाम लिखना सीख गए थे, आज हम किरण का भी नाम लिखना सीखेंगे। फर्स्ट फिगर है, सेकंड फिगर है और थर्ड फिगर है। आपके यहाँ पर तीन फिगर दिया गया है और इस तीनों फिगर में आपको रेखाखंड और किरण का नाम, दोनों का नाम बताना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फिगर को लेते हैं। यहाँ पर हम पहले बात करेंगे रेखाखंड के बारे में, ठीक है, रेखाखंड। और दूसरा है हमारा किरण, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि किरण की पहचान आपको किस तरह करनी है। जहाँ पर आपको एरो का निशान दिखाई दे रहा है ना, तीर का, तो वो वाला जो होता है वो स्टार्टिंग बिंदु से लेकर के यहाँ तक में वो किरण कहलाएगा, ठीक है। तो आपका पहचान के लिए बता देते हैं, किरण में आपका कौन हो जाएगा, ए सी। किरण में कौन हो जाएगा, ए सी, और क्या हो जाएगा आपका, बी से डी। तो ए सी और बी डी यदि किरण है तो ए बी क्या कहलाएगा, ए बी आपका सिर्फ रेखाखंड कहलाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। चलिए दूसरा वाला फिगर में ध्यान से देखिएगा। दूसरे वाले फिगर में हम लोगों को बताना है रेखाखंड, क्या बताना है, रेखाखंड और किरण। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग किरण को देखेंगे। किरण क्या है हमारा, पी क्यू, जी एच और ई से लेके एफ। देखिए किरण है ना, यहाँ से यहाँ तक एरो का निशान बना हुआ है, तो ई एफ, ई एफ हमारा क्या हो जाएगा, किरण हो जाएगा। बच गया क्या, देखिए बच गया आपका ई जी, या आप जी ई बोल सकते हैं, ठीक है, जी ई, जी पी और एक आपका ई पी, ठीक है ना। देखिए ई जी एक रेखाखंड हुआ, जी पी एक रेखाखंड हुआ और ई से लेके पी भी एक रेखाखंड हुआ। जब आप इन दोनों को मिलाइएगा तो एक और रेखाखंड मिलकर बनेगा, ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक। अगर हम इसको मिटा दें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक भी एक रेखाखंड बन रहा है, जिसे हम ई पी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब बाकी सभी जिसमें एरो लगा है ये सब क्या कहलाएगा, ये सब किरण कहलाएगा। चलिए हमारा तीसरा फिगर में अब आते हैं। इसमें भी हम लोग को क्या लिखना है, रेखाखंड एवं क्या लिखना है, किरण, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग किरण को छाटेंगे। किरण कहाँ से, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर गया जिसमें तीर लगाया, तो एल एम क्या हो जाएगा, एक आपका किरण हो जाएगा। और दूसरा पी क्यू क्या हो जाएगा, ये भी आपका किरण हो जाएगा। तो हमें अब लिखना है क्या, रेखाखंड। तो रेखाखंड हमारे पास बच गया ओ एल और ओ पी, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।